गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी पाठ 15 खरगोश और हाथी। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। दूसरा प्रश्न, खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हो, हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं, मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने के लिए, लेकिन आपसे वे नाराज है। तीसरा प्रश्न, पूर्णमासी का चांद कैसा है? तो हमें जवाब में लिखना है, पूर्णमासी का चांद संपूर्ण खिला हुआ है। चौथा प्रश्न, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 5, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो हमें लिखना है, चंदा मामा से हाथी माफ़ी मांग रहा है। अब प्रश्न नंबर 2, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यानी के जो हिंदी वाक्य है उसको गुजराती में अनुवाद करना है। तो पहला है, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। तो एनु गुजराती में अनुवाद करिए, सरोवर के એટલે કે સરોવર ના કિનારે ગીલી એટલે કે ભીની જમીન થી એટલે હતી, સરોવર ના કિનારે ભીની જમીન હતી। दूसरा सेंटेंस, हम चांद के भांजे है। तो हम यानी के अमे चांद के એટલે કે ચાંદા ના ભાંજે એટલે ભાણે જ है એટલે છીએ, અમે ચાંદા ના ભાણે જ છીએ। तीसरा, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो हाथियों के એટલે કે હાથીઓના ના ઝુંડ મે એટલે કે સમૂહમાં कुछ એટલે કે તો કેટલાક શરારતી એટલે કે તોફાની હાથી થે હાથી હતા એટલે હાથીઓના સમૂહમાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા। ચોથા, ખરગોશો કે સરદારને એક ઉપાય સોચા। ખરગોશો કે એટલે કે સસલાઓના સરદારને એટલે સરદારે એક ઉપાય એટલે એક ઉપાય સોચા એટલે કે વિચાર્યો, સસલાઓના સરદારે એક ઉપાય વિચાર્યો। તીસરા પ્રશ્ન, સંદર્ભ પુસ્તક પઢકર પતા કરો ઓર લિખો કી પૂર્ણમાસી કબ હોતી હૈ ઓર અમાવસ્યા કબ। તો હમે લિખના હૈ, જબ ચાંદ પૂરા ખીલા હોતા હૈ તબ પૂર્ણમાસી હોતી હૈ, और जब चांद आकाश में दिखाई नहीं देता तब अमावस्या होती है। तो ऐसे लिखकर आपको स्वाध्याय पूरा करना है। तो बच्चों, आपको नोट में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 लिखकर कंप्लीट करना है। थैंक यू।